बोलो भी। तुम्हारा ही कमरा, लॉक करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके उनको बताया कि उस दिन पार्टी में मेरे से गलती हुआ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं। तुमने झूठी कहानी बनाकर मेरा नाम खराब किया, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, सरेआम मेरी इज्जत उछाल दी। क्यों किया तुमने ये सब राघव, बताओ। चलो मैं ही बता देती, तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी अम्मा और कीर्ति की गुनहगार हूं मैं। उस रात पार्टी में मैंने झूठ क्या बोल दिया, तुमको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आज जब सबके सामने मैं ही सच बोल रहा है तो तुमको माफ करना चाहिए था। उस रात तुम्हारे झूठ से मुझे उतना हर्ट नहीं हुआ जितना आज तुम्हारे मैं राघव रामू वाले एटीट्यूड से हो रहा है। कोई जिए कोई मरे, किसी का रिश्ता टूटे किसी की जिंदगी बर्बाद हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर राघव राम, तुम जानते भी हो तुमने पल्लवी देशमुख से क्या छीना है, वही जिसकी नींव पर मैं आज तक अपना सर ऊंचा करके जीती थी। मेरा परिवार, लेकिन मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, ये सब तुमसे क्यों कह रही हूँ।